हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। एज यू ऑल नो, टुडे इज सैटरडे एंड वी विल डू जीके वर्क टुडे। ओके, विच वर्क वी विल डू टुडे? जीके वर्क। ओके, टुडे वी विल रीड पेज नंबर 28 एंड 29। ओके, ऑल आर रेडी विद योर जीके बुक? ऑल आर रेडी? ओके, फर्स्टली वी विल डू पेज नंबर दिस। विच पेज नंबर इज दिस? 28। ओके, दिस इज 28। Let's start reading. I love milk. Heading is I love milk. Milk किस किस को अच्छा लगता है? हम सबको milk अच्छा लगना चाहिए और milk सबको पीना चाहिए. Okay? It helps us to grow. Okay? It makes our bones strong. Okay? Here it is written. COW cow, GIVES gives, USS MILK milk. Cow gives us milk. Cow हमें क्या देती है? Milk. Milk means दूध देती है. देती है ना? Okay. CIRCLE circle. THE ITEMS items. THAT that ARER MADE made. FROM from MILK milk. Circle the items that are made from milk. हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे ये इंडेक्स में काव दी हुई है ना, और बाहर पेज पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनमें से जो मिल्क से बनने वाले आइटम्स हैं उनको सर्कल करना है. ठीक है, अंडरस्टूड? जो चीज़ें मिल्क से बनती हैं उनको हमें सर्कल लगाना है. ठीक है, आइसक्रीम. आइसक्रीम किससे बनती है? आइस से बनती है, और उसमें रेयरली ही मिल्क का यूज़ होता है, नहीं होता. आर्टिफिशियल क्रीम उसमें डालते हैं. ठीक है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. नंबर टू पर है चीज़. चीज़ क्या होता है बताओ? पनीर. ठीक है, इसको हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये मिल्क से बनता है. ओके, नेक्स्ट है फ्रूट जूस. तो जैसे कि लिखा ही हुआ है फ्रूट जूस. जूस किसका? फ्रूट्स का. तो इसमें तो काव का मिल्क यूज नहीं होता. ओके, नेक्स्ट क्या है? कर्ड. कर्ड क्या होता है? दही. दही किससे बनता है? मिल्क से. तो इसको हम क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे. आपने भी अपना पेज नंबर 28 ओपन किया है ना, और मेरे साथ साथ सारे सर्कल लगा रहे हैं ना. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट ये है, देखिए, बटर. व्हाट इज दिस? बटर. तो बटर किससे बनता है? मिल्क को जब हम कर्ड बना देते हैं और उसको चर्न करते हैं. चर्न मीन्स मथते हैं. ओके, तब क्या बनता है? बटर बनता है. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेड. ब्रेड में बटर आता है क्या? सॉरी, मिल्क आता है क्या? नो. तो हमारे पास कितने आइटम हैं मिल्क से बनने वाले? 3. चीज़, कर्ड एंड बटर. ठीक है, यहाँ पर लिखा है THANK, थैंक, YOUU,
MADAM मैडम, COW काउ, ये कौन है? काउ है। थैंक यू मैडम काउ। मैडम काउ को थैंक यू क्यों बोला? क्योंकि वो हमें क्या देती है? मिल्क देती है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पेज है अब हमारा 29। विच पेज नंबर? 29। वी विल डू इट टुडे। ओके, एस ओ यू आर सी ई एस सोर्सेस ओ एफ ऑफ एफ डबल ओ डी फूड। फूड मीन्स खाना, सोर्सेस मीन्स उसके स्रोत, स्रोत मीन्स जहाँ से वो हमें मिलता है। तो हमें खाना किन किन सोर्सेस से मिलता है, कहाँ कहाँ से, किन किन चीज़ों से मिलता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एस ओ एम ई सम एफ डबल ओ डी एस फूड्स एल डबल ओ के लुक एस ओ सो डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट एफ आर ओ एम फ्रॉम टी एच ई आई आर देयर एस ओ यू आर सी ई एस सोर्सेस। सम फूड्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम देयर सोर्सेस। कुछ तरह का जो खाना होता है वो अपने सोर्सेस से एकदम डिफरेंट दिखता है, जैसे जहाँ पर वो पैदा होता है और उसका बाद में जो उसका शेप या साइज या जो भी हमें दिखाई देता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे काउ के मिल्क से ये चीज़ बन गया, तो मिल्क से ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, इसके सोर्स से ये डिफरेंट हो गया है ना। इसी तरह से ट्रेस टी आर ए सी ई ट्रेस टी ओ टू एफ आई एन डी फाइंड ट्रेस टू फाइंड। ट्रेस मीन्स इसको लाइन से हमें उसके साथ मिलाना है जहाँ इसका मेन सोर्स है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है सी ओ आर एन कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? मक्का। हम मक्के का बूटा खाते हैं ना सभी, वो इसी तरह से कुछ होता है ना, मक्के का बूटा है ना, इसको पील ऑफ कर देते हैं, मीन्स इसके ये छिलके हटा देते हैं, फिर इसको हम हीट पर, आग पर रोस्ट करते हैं और फिर लेमन और सॉल्ट के साथ हम उसको ग्रीस करके उसको खाते हैं। ठीक है, तो कॉर्न से क्या बन जाते हैं? पॉपकॉर्न बन जाते हैं। देखो ये कैसा था कॉर्न, और यहाँ पर जब पॉपकॉर्न बना तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया है ना, पॉपकॉर्न बन गया ना इसका। तो इसको कैसे ट्रेस करेंगे? यहाँ से लाइन लेंगे और बिल्कुल ये डॉटेड लाइन पर इसको पॉपकॉर्न के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट है नंबर टू एप्पल। ये देखो एप्पल ट्री आ गया, लग रहे हैं एप्पल ट्री में, ए डबल पी एल ई एप्पल आ गया ट्री पे, ऐसे एप्पल बन रहा था। अब देखो एप्पल से क्या बनता है, चपाती बनती है? नो। पैकेट ऑफ चिप्स, चिप्स बनते हैं? नो, एप्पल के तो चिप्स भी नहीं बनते हैं। ऑमलेट बनती है? नो। क्या बनता है? एप्पल जूस, ए डबल पी एल ई एप्पल जे यू आई सी ई जूस, एप्पल जूस बनता है। तो इसको हम कैसे मैच करेंगे? यहाँ से लाइन लेके चलेंगे ऐसे, और जूस के साथ हम क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हैन है। क्या है? एच ई एन, हैन। ये हमें क्या देती है? एग देती है। ये एग रखा है ना उसके पास, और ये लिखा है ई डबल जी एग।
और एग से क्या बनता है? ऑमलेट बनता है। ये देखो ये आ गया ऑमलेट। तो इसको एग को हम यहाँ से लेकर ऑमलेट तक क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। ओके नेक्स्ट पे चले। ये देखो वीट दिख रहा है? देखो कितना क्लोज किया मैंने, दिख रहा है? यस वीट। जब खेत में फार्मर होता है ना, वो अपने फील्ड में उगाता है इसको, और जब इसमें ये बालियां आती हैं तो इनको जब हम छिलका हटाकर देखते हैं तो इसमें वीट होता है, इसमें गेहूं होता है। ठीक है, WHEAT वीट। वीट मीन्स गेहूं। तो गेहूं से हम क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं और उससे फिर चपाती बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गेहूं के पास इसको पेंसिल को पुट करेंगे और ये ले जाएंगे चपाती के पास, मैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा बच गया, ये है देखो POTATO पोटैटो। पोटैटो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ऐसे उगता है, ये एक रूट है, रूट। ठीक है, जड़ जिसको बोलते हैं, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं वो ऐसे मोटी हो जाती हैं और वो आलू के जैसे बन जाती हैं, और उन जब बड़े हो जाते हैं तो हम उनको मिट्टी खोद कर बाहर निकाल लेते हैं। तो पोटैटो से क्या बनते हैं? चिप्स बनते हैं। पोटैटो चिप्स बनते हैं ना, आपने खाए हैं? अंकल चिप्स, लेज, पार्ले वेफर्स, ये सभी किससे बनते हैं? पोटैटो से। ठीक है, तो ये हमने आज कितने पेज पढ़े हैं? 2 पेज। काउ मिल्क एंड सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, पेज नंबर 28 दिस एंड पेज नंबर 29 दिस वन। ठीक है, दिस 2 पेजेस यू विल कंप्लीट एंड सेंड टू योर मैम। ओके, बाय बाय।